आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट विल हैपन आफ्टर बाईपास द आवर एनर्जी मीटर। मतलब कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के एनर्जी मीटर लगे होते हैं, अगर हम उसको बाईपास कर देते हैं तो उससे क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल समझेंगे कि हमारे पास एक ये मीटर है और एक ये दूसरा मीटर है। इन दोनों मीटर के अंदर एक के अंदर से मैं फेस को आउटपुट में निकालूंगा और एक के अंदर से मैं न्यूट्रल को आउटपुट में निकालूंगा। अब मेरा क्वेश्चन यह होगा कि इन दोनों मीटर में से हमारा कौन सा मीटर में बिजली का बिल बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात पहले बता दूं, ये पॉइंट को मैंने आपको पहले बता रखा है पिछले वीडियो के अंदर, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको वापस से रिपीट करता हूं। जैसे कि हमारा एक एनर्जी मीटर है, ठीक है, ये हमारे घर के अंदर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, अब इसके अंदर हमने इधर एक फेस सप्लाई दी और इसके अंदर न्यूट्रल सप्लाई दी, ये हमने इनकमिंग दी। अब इसके आउटपुट में हमारा एक फेस वायर निकला, ठीक है, अभी हमारा फेस वायर निकला। और दूसरा हमने क्या किया, हमारे घर के जो उपकरण है उस उपकरण को इसमें से न्यूट्रल नहीं निकाला, इस मीटर से हमने जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल को उपयोग में नहीं लिया। हमने क्या किया, हमारे घर पे या बाहर से कहीं से एक अर्थिंग लाए, उस अर्थिंग और हमारा जो फेस है इस फेस को जोड़ के हमने एक उपकरण को चला लिया, जैसे कि हमारा कोई लैंप हो गया, मोटर हो गया, कुछ भी हमारे हिसाब से हमने चला लिया। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो उपकरण है, ये हमारा उपकरण है, ये उपकरण चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जी हमारा जो उपकरण है, इस उपकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आसानी से चलेगा। बस पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारी जो अर्थिंग हमने उपयोग में ली वो अर्थिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, अर्थिंग का उपयोग हम किसी और कारण से करते हैं, पर कहीं कहीं पे हमारे ग्रामीण इलाकों में कहीं पे न्यूट्रल वीक होता है तो हम वहां पे इस तरीके से भी हमारे लोड को चला लेते हैं, पर ऐसा करना पूरी तरीके से सेफ नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, दूसरा पॉइंट कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि मैंने यहाँ से न्यूट्रल नहीं लिया है, ठीक है, अभी मैंने इस मीटर वैसे न्यूट्रल उपयोग में नहीं लिया, तो क्या मेरा ये जो एनर्जी मीटर है ये मेरा बिजली का बिल देगा या नहीं देगा। तो दोस्तों, इसका आंसर काफी सिंपल था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में इस तरीके का उपयोग करके बिजली को चोरी किया जाता था। कैसे करते थे, हम न्यूट्रल को उपयोग में नहीं लेते थे, एक अर्थ ले आते थे और न्यूट्रल की जगह उसको जोड़ देते और हम क्या आसानी से बिजली को चोरी कर लेते। हमारा जो मीटर है ये मीटर काम नहीं करता था, स्टॉप हो जाता था। पर आजकल के जो नए मीटर आ रहे हैं, आपको पता है कि पुराने जो मीटर आते थे वो हमारे पुराने मीटर मैकेनिकली ऑपरेट होते थे, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर। पर आजकल जो सारे मीटर आ रहे हैं वो आ रहे डिजिटल मीटर। और दोस्तों, आजकल जो डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर अगर आप न्यूट्रल को उपयोग नहीं करोगे, आप अर्थिंग के साथ भी लोड को चला दोगे, तो भी हमारा जो मीटर है ये मीटर चलता रहेगा और हमारे बिजली का बिल को देता रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपको कुछ बेसिक सी जानकारी मिल गई होगी, पर अब हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि अगर हमने दो मीटर का उपयोग कर रखा है और हम क्या यहाँ पे एक लोड को मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है। अब दोस्तों, ये जो मीटर है, ये मीटर के अंदर हमारा क्या होता है, सप्लाई के अंदर हम इसके अंदर फेस और न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल भी हमारा रेड से बना रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, फेस और न्यूट्रल हमने इसके अंदर दिया और जो आउटपुट है इस मीटर का, तो इस मीटर से मैं ओनली फॉर फेस को ले लेता हूँ, ठीक है। तो फेस हमारा इस मीटर से मिल गया, हमारा जो दूसरा मीटर है इस मीटर के अंदर भी हमारा फेस और न्यूट्रल इनकमिंग में आ गया, और जो इसका आउटपुट है इस मीटर के आउटपुट में जो फेस निकल रहा है उस फेस को हमने उपयोग में नहीं लिया, हमने यहां से न्यूट्रल को लिया। आप वापस एक बार सर्किट को समझ लीजिए, मैंने क्या किया, हमारे पास ये पहला मीटर है और ये मेरे पास दूसरा मीटर है, ठीक है। ये जो पहला मीटर है इस मीटर से मैंने फेस को उपयोग में लिया है, और जो दूसरा मीटर है इस मीटर का फेस को उपयोग में ना लेके मैंने सिर्फ यहां से न्यूट्रल उपयोग में लिया। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि इन दोनों मीटर में से कौन से मीटर के अंदर हमारा बिजली का बिल आएगा। तो दोस्तों देखिए, काफी सिंपल सा इसका आंसर है, इसको मैंने प्रैक्टिकल करके भी देख रखा है, आपको इसका आंसर मैंने आपको जो ऊपर उदाहरण समझाया था इस उदाहरण से ही मिल जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे दोनों मीटर, अगर यहाँ पे दोनों मीटर हमारे पुराने वाले लग रहे होंगे, जो हमारे मैकेनिकल ऑपरेट मीटर होते थे, वहां पे आपको पता है एक चक्री होती थी, वो चक्री घुमा करती थी, तो हमारे वही पुराने मैकेनिकल मीटर अगर यहाँ पे दोनों जगह लग रहे हैं, तो हमारे जो दोनों मीटर है ना, इन दोनों मीटर के अंदर ही कोई भी बिल नहीं आता है, ठीक है, दोनों मीटर के अंदर कोई भी बिल नहीं आएगा। पर आजकल जो हमारे जो डिजिटल मीटर का उपयोग किया जा रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि डिजिटल मीटर का जो उपयोग किया जा रहा है उसके अंदर दोस्तों हमारा जो पहला मीटर है इस मीटर के अंदर भी हमारा बिजली का बिल आएगा, और हमारा जो दूसरा मीटर है इस मीटर के अंदर भी हमारे केडब्ल्यूएच बढ़ेंगे, मतलब हमारी यूनिट बढ़ेगी। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पूरा का पूरा खेल मीटर के ऊपर है। अगर हमारा पुराना टाइप का मीटर लग रहा है तो हमारे जो दोनों मीटर है इन दोनों मीटर के अंदर कोई भी बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, मतलब कोई भी केडब्ल्यूएच कोई भी यूनिट नहीं बढ़ेगी। पर अगर हमने डिजिटल मीटर का उपयोग कर रखा है तो जिससे हमने फेस को उपयोग में लिया इसके भी केडब्ल्यूएच बढ़ेंगे, और जिसके अंदर से हमने न्यूट्रल को उपयोग में लिया इसके भी हमारे केडब्ल्यूएच बढ़ते हैं, और ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।